शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट पेश करते हैं आज की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में हरियाणा सरकार व हुड्डा विभाग के खिलाफ सेक्टर में रह रहे व RWA के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सभी लोगों व महिलाओं ने हिस्सा लिया। दरअसल कैंडल मार्च हुड्डा विभाग के द्वारा भारी भरकम एनहांसमेंट लेने के विरोध में निकाला। वही कान मार्च में प्रदर्शन करते हुए खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लोगों का कहना है कि हुड्डा विभाग के द्वारा हमसे इन्वेस्टमेंट के रूप में ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, जो गलत है। इसी के चलते हमारे द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया। कैंडल मार्च सेक्टर 6 शुरुआत की और शहर के विभिन्न चौराहे से होता हुआ शहर के लाल चौक पर पहुंचकर समागम किया। इस अवसर पर इनेलो पार्टी नेता के पूर्व चेयरमैन व जिला अध्यक्ष कर्मवीर राठी, इनेलो नेता संजय दलाल, इनेलो नेता नरेश चुंगी कैंडल मार्च में शामिल हुए। इस अवसर पर इनेलो पार्टी के नेता पूर्व चेयरमैन व जिला अध्यक्ष कर्मवीर राठी ने भी सेक्टर वासियों का समर्थन किया। वहीं इनेलो नेता संजय दलाल ने भी सरकार जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर सेक्टर निवासियों से जो चार्ज लिया जा रहा जिन्होंने कैंडल मार्च जो निकाला है, ये पिछले लंबे समय से ये लोग आंदोलित हैं और सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों ने इस जमीन के अंदर सेक्टर बनाए थे, उस टाइम पर जो आप लोगों ने इसमें पैसा खाया था, जो कमाई आप लोगों ने की थी, किसान से ढाई ढाई लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से ये जमीन ली थी और सेक्टर वासियों को पर गज के हिसाब से ये जमीन दी गई थी, तो आज जो कोर्ट द्वारा इन आसमेंट कम से कम ये मान करके चलो 100-250 गज के प्लाट पर 5-6 लाख रुपए तक की आई हुई है। मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हुड्डा डिपार्टमेंट ने जिसने इस जमीन में पैसा कमाया, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो जमींदारों को भी मुआवजा मिलना जरूरी है, क्योंकि जमींदार की भी जमीन बार बार नहीं जाती, एक बार जाती है, उनको भी मुआवजा मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, क्या सरकार जब ये प्लाट पर कोई ट्रांसफर होता है तो उस पर फीस नहीं लेते लोगों से, क्या रजिस्ट्री फीस नहीं जाती इनके पास, कई और चार्जेज हाउस टैक्स वगैरह नहीं जाते, सब पैसा ये किसी भी डिपार्टमेंट में घूम घाम करके सरकार के पास जाता है। तो सरकार से ये लोग आज यहाँ बहादुरगढ़ में नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लाखों परिवार जो है ये आंदोलित है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही और उसको समझ नहीं रही। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम,
सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें।